100 रुपया लीटर है, 90 रुपया देंगे। तो रहे हो क्या, जाग जाओ चैन से सोने वालों। नहीं सब मेंशन कर दीजिए बस में। ठीक है। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। और आज है 12वां रोज़ा और जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम लोग जाने वाले शॉपिंग करने के लिए, बट सामने वाले की नींद ही नहीं पूरी होती तो मैं अकेले जाऊँ कैसे, तो इसलिए हम लोगों ने आज प्लान किया कि आज चलते हैं। और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं, मतलब आज भी सोकर जल्दी नहीं उठे, मुझे यही टाइम पे जाना पड़ेगा। और रोज़ रोज़ कल कल करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो जो मुझे सिल के देने वाले कपड़ा वो भी नहीं देंगे, तो इसलिए हम लोग आज चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, मैं नॉर्मली अच्छा सा मतलब कोई कपड़ा लूँगी जो अच्छा लगेगा और उसको अपनी पसंद से मैं सिलवाने वाली हूँ। तो अभी चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। देखो थोड़ा सा भी देखो है, देखो पूरा महल था। हाँ तो कहाँ चला गया देखो वो, और उधर देखो तो एक पत्थर दिख रहा होगा, देखो कहाँ, अरे वही ना जो छोटा सा पत्थर है। हाँ देखो उसी में हाथी बांधते थे उनका, अभी पत्थर है देखो। एक अंकल देखो छांव में सो रहे हैं। यहाँ गेहूं की फसल रेडी हो गई पूरी, सब की और बड़ी खतरनाक। छोटे छोटे फूल झर गए सब, आम आ गए। हाँ ये देखो। फिर से आऊंगी मैं इस बार आम लेने के लिए। सो यहाँ अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हम लोग पसंद ही कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले कुछ सूट देखा जो कि पसंद नहीं आया, बट फिर भी अच्छे थे। और मुझे सूट लेना नहीं था, बट फिर भी मैंने एक दो सूट देख लिया, अच्छे थे। और लेकिन मुझे लेना था थान में से, ताकि मैं अपनी पसंद से अपनी चॉइस का कपड़ा सिला सकूं। सूट में अभी मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे पसंद आ रहा था ये और एक ये वाला। येलो ले लूँ क्या, येलो नहीं है मेरे पास। बोल रहे हैं 100 रुपया मीटर है, 90 रुपया देंगे लास्ट। हाँ, और सब और कम होगा, और कम करा। कांदे के कपड़ा कहाँ देने वाले सिलने के लिए, तौफीक भाई की वाइफ। अब देखते वो सिल पाती हैं या नहीं, लेकिन एकदम इजी वाला सिलवाऊंगी किस सिल में, ईद में जुगाड़ के साथ सिलवाइएगा। इसके नीचे वाइट अस्तर जाएगा ना, 4 मीटर में अच्छा गाउन हो जाएगा ना, 3 मीटर घेर तो हो जाएगा, 1 मीटर ऊपर की वही छोटी वोटी चाहिए रहेगी। तो यहाँ पे भी हम लोग 4 मीटर कटवा रहे हैं कपड़ा, और ज्यादा ही देना, एकदम कम मत देना कि थोड़े से के लिए थोड़ा सा मच हो जाए। हाँ और इसके नीचे व्हाइट अस्तर, अस्तर कितना ले ले, 2 मीटर पूरा फुल नहीं करवाना है, मैं उसको अंदर से मतलब कमीज जैसा खुलवाना है मुझे, 2 मीटर काफी हो जाएंगे। मेरी साहब मेंशन कर दीजिए बस में। ठीक है। क्या नाम है इनकी शॉप का? अरे शॉप का नाम ही नहीं है। अरे था उधर ना, लेकिन ये पूरा बड़ा किया ना, इसका तोड़वा के 150 रुपये। हम लोग ने कपड़ा ले लिया और अब चल रहे हैं तौफीक भाई के घर, नाप दे के आते हैं। और यही सब कपड़े की मार्केट है यहाँ पे, यही मैं आई थी कान टुचवाने के लिए, यही अंकल ने अम्मा का और मेरा दोनों जन का कान खराब कर दिया। अभी हम लोग इसका दुपट्टा भी ले ले रहे हैं, ताकि बाद में कुछ मचमचा झंझट ना रहे। अंकल बोल रहे डार्क कलर है, चाहे डार्क हो चाहे हल्का हो, लेकिन कलर तो रहना, नहीं अलग है। चलो जल्दी
अभी हम लोग आ गए इधर टॉफी खाई के घर। इतनी बड़ी हवेली बना के रखे है, देख लो गाइस, वो सच में सेठ है। ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। आज देखे सपने में देख रही थी मेरी अम्मी मारी, बोलती सीढ़ी चढ़ी तो चढ़ी के। गाइस इधर देख लो उनके घर के पीछे का नजारा, वाह वाह। सो रहे हो क्या? जाग जाओ चैन से सोने वालों। अच्छा टॉपिक में एक बार तुम्हारी वीडियो में इधर ही ना आ रहे थे ना। चलो नीचे आओ। और लॉन्ग मुझे लेकिन एकदम चाहिए क्योंकि मैंने कपड़ा ज्यादा लाया हूँ इसीलिए। ज्यादा भी नहीं करना ठीक है हाँ, लेकिन मुझे फिटिंग ही चाहिए। A few moments later. तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए और नाप आप हम लोग ने सब दे दिए। अब देखते हैं कितने दिन में ड्रेस मिलता है अपना। इस बार लेके मैंने कुछ अलग सिलवाई हूँ। दिखाया नहीं होना दे। हाँ हाँ दिखाई, थोड़ा सा मतलब पहले प्लान कुछ और हुआ सिलने का, फिर एक पैटर्न देख ली मोबाइल में तो फिर चेंज कर दी मैंने, अब मेरा मन बदल गया। तब ऐसा मिलेगा सिल के तो मस्त लगेगा। और अभी चल रहे फिलहाल घर, धूप बहुत भयंकर है। आज यहाँ इफ्तारी में बनने वाला है मेंदू वड़ा। यस, तो मैंने उसका बैटर रेडी कर लिया है। और यहाँ पे बनने वाली है हरे प्याज की भजिए और मटन का सालन, तो उसके लिए भी कांदा रेडी हो चुका है। और यहाँ पे रेडी है चना बनके। और यहाँ पे चटनी के लिए हम लोग ने मेंदू वड़े की सारा सामान रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मेंदू वड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है। और गाइस मैं मेंदू वड़े का शेप नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने इसे नॉर्मली जैसे तलते हैं हम लोग दही वड़ा, तो मैं इसे वैसे ही तल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे मेहंदी वड़े की चटनी बनके रेडी है। चटनी बहुत टेस्टी बनी थी और आधे से ज़्यादा मेहंदी वड़े तल चुके हैं, अब बस लास्ट बाकी है ये। A few moments later. हम लोग आ गए हैं बाहर थोड़ा सा वॉक करने के लिए क्योंकि हम लोग खाना खा चुके हैं। और मैं इतना वॉक करती हूँ बट ये बंदा जरा सा भी नहीं चलता है, इतना सा भी नहीं। सिर्फ मेरे को थोड़ा सा कंपनी देने के लिए बाहर आते। क्यों नहीं चलते हो तुम? कहाँ? यहीं जहाँ तुम चल रहे हो। मानिक चंद चलते हूँ, चलता हूँ मैं, बस यही बॉल खेलने के लिए आएंगे बस। और यहाँ पे चांद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जब कोई पूछे ना क्या बना है तो सीधे बोल दो बॉस बना है। क्यों, कोई पूछ रहा है क्या? हाँ जी सान पूछ रहा, मम्मी क्या बना है तो सीधे बोल दो गोश्त पका है। हाँ गाइस देख लो रात के कितने बज रहे हैं। और यहाँ पे कितने बज रहे बता? अभिषेक ब्रद आवा रहे, जब तक बोलेगा नहीं खोलो तब तक खोलेंगे नहीं। ये रात का राजा है, इसकी रात रात वाली पार्टी चलती है। और कहाँ गया था वैसे, इतना गंदा वंदा हो क्या है ये देख, कहाँ कुछ लगा है आस्तीन आस्तीन सब गंदी। लेट गया था वाह। A few moments later.